मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ईई 308 चैप्टर 5 कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशंस, शक्ति केंद्रों का संयुक्त प्रचालन। इसमें पहला है इंट्रोडक्शन। विद्युत शक्ति विभिन्न शक्ति केंद्रों जैसे तापीय शक्ति केंद्र, जल विद्युत शक्ति केंद्र, परमाणु शक्ति केंद्र आदि से उत्पन्न की जाती है। ये विभिन्न शक्ति केंद्र वहाँ स्थित होते हैं जहाँ उनके उत्पादन के लिए आवश्यक स्रोत जैसे कि कोयला, पानी, यूरेनियम आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो या निकटतम हो, परंतु कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इन सभी स्थितों को से संपन्न हो। इन सभी विद्युत केंद्रों या प्लांटों के लिए अधिक किफायती प्रचलन तथा उनकी अच्छी उपयोगिता के लिए इनकी एक संयुक्त प्रणाली बनाने की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न शक्ति केंद्रों का एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम तैयार किया जाता है। अब इंटरकनेक्शन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन। पहला है इंटीग्रेटेड सिस्टम, दूसरा है अनइंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करें तो यह प्रणाली जिसका संपूर्ण प्रचालन एक ही हो संयुक्त प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली में अलग अलग प्रणालियों की उपयोगिता खो जाती है। इस प्रणाली में सभी प्रचलन जैसे उत्पादन सुविधाओं को बढ़ाने का विचार, नए उपकरण का संस्थापन, सुरक्षित क्षमता में बढ़ोतरी, जनित्रों की भार क्षमता बढ़ोतरी, बिल्डिंग तथा अनुरक्षण प्रोग्राम का क्रमबद्ध संचरण, सुविधा में बढ़ोतरी आदि एक समान संयुक्त रूप से होते हैं। अतः इस प्रणाली में खाता संबंधी लेन देन, संदेश संबंधी आदान प्रदान, भार संबंधी तैयारी तथा अनुरक्षण सूची की तैयारी आदि के लिए एक केंद्रीय ऑफिस होता है। यह प्रणाली अधिकतम किफायती होती है जब दो या दो से अधिक उपयोगिताओं का समूह होता है। दूसरे टाइप का इंटरकनेक्टेड सिस्टम आता है अनइंटीग्रेटेड सिस्टम। वह प्रणाली जिसमें संपूर्ण प्रचलन एक समान न होकर अलग अलग होता है। इस प्रणाली में अलग प्रणालियों की उपयोगिता नहीं होती है। इसकी प्रत्येक उपयोगिता इस क्षेत्र की भार आवश्यकता के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में केंद्रीय नियंत्रण ऑफिस की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह विभिन्न छोटी उपयोगिताएं बन जाती हैं जिनमें से कुछ एक दूसरे के साथ अनुबंध रखती हैं। यह अनुबंध दिए गए समय पर दी गई ऊर्जा मात्रा की सप्लाई करने को, कठिन समय में परस्पर सहायता को या किसी अन्य विशेष सुविधा को सम्मिलित करती है। हम देखें तो अधिकतर इंटरकनेक्टेड सिस्टम असंयुक्त प्रकार की प्रणालियां ही हैं। बात आती है कि इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम के फायदे क्या हैं, क्यों ये इंटरकनेक्शन किया जाता है। एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्शन। इस इंटरकनेक्शन के एडवांटेज लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है इंक्रीज इन सर्विस रिलायबिलिटी, सर्विस विश्वसनीयता में बढ़ोतरी। इंटरकनेक्टेड सिस्टम के कारण सप्लाई की विश्वसनीयता तथा निरंतरता बढ़ जाती है, क्योंकि यदि एक शक्ति केंद्र के खराब होने या प्रचलन में नहीं होने की स्थिति में दूसरे इंटरकनेक्टेड शक्ति केंद्र से सप्लाई प्रदान की जा सकती है। कभी कभी जनरेटर पर भारी भार या मांग के बढ़ जाने पर उत्पादन यूनिट को जोड़ा भार इंटरकनेक्टेड की सहायता से भार को विभाजित कर लेता है, जिससे सप्लाई की विश्वसनीयता बढ़ जाती है व हमें अवरुद्ध सप्लाई मिलती रहती है। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, प्रचालन में लचीलापन। इंटरकनेक्टेड सिस्टम की सहायता से दो या दो से अधिक कनेक्टेड जनरेटर स्टेशन पर लोड शेयरिंग इस प्रकार किया जाता है कि अधिक दक्ष प्लांट जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो को बेस प्लांट की तरह तथा कम एफिशिएंसी वाले प्लांट को पीक लोड प्लांट की तरह काम में लिया जाता है। जैसे कि तापीय शक्ति केंद्र, थर्मल पावर स्टेशन तथा न्यूक्लियर पावर स्टेशन आधार भार प्लांट की तरह प्रचलित होते हैं, जबकि हाइड्रो शक्ति केंद्र आधार भार तथा शिखर भार प्लांट की तरह प्रचलित होते हैं। अतः ये दोनों प्रकार के भारों के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार हम भार की मांग के अनुसार संबंधित प्लांट या शक्ति केंद्र द्वारा भार को प्रचलित कर सकते हैं। तीसरी इसका एडवांटेज है एडिशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसमिशन फैसिलिटीज, संचरण सुविधाओं को जोड़ना या बदलना।
भार के बढ़ने पर अतिरिक्त संचरण सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में लाइन को खींचने तथा उसके इंस्टॉलेशन को अधिक किफ़ायती तथा आसान बनाया जा सकता है। इसके लिए शक्ति केंद्रों या संचरण लाइनों का इंटरकनेक्शन होना आवश्यक है, ताकि एक लाइन की सुविधाओं को जोड़ते या परिवर्तित करते समय या उसमें कोई मरम्मत कार्य करते समय दूसरी लाइन द्वारा भार को सप्लाई विभाजित की जा सके, ताकि एक लाइन पर काम हो रहा हो तो दूसरी लाइन से सप्लाई लेके उसको जोड़ा जा सके। चौथा इसका एडवांटेज है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सेविंग, स्थापन क्षमता में बचत। इंटरकनेक्टेड सिस्टम की सहायता से आवश्यक भार को मिलने वाली स्थापन क्षमता की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि साधारणतः विभिन्न शक्ति केंद्रों के भार वक्र एक समान नहीं होते हैं, अतः उनकी अधिकतम मांग मैक्सिमम डिमांड एक साथ नहीं आती है। ऐसी स्थिति में इंटरकनेक्टेड प्रणाली के कारण इन शक्ति केंद्रों की कम स्थापना क्षमता से काम चल सकता है, अर्थात प्रणाली की डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ जाता है। मतलब कोई प्लांट को अगर अकेले अपन रन करते हैं तो उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा क्षमता का अपन को बनाना पड़ेगा, और अगर अपन उसको इंटरकनेक्टेड में यूज़ करते हैं तो अपन दोनों प्लांट को अधिकतम क्षमता का ना बना के मीडियम क्षमता का बना सकते हैं, और आपस में एक दूसरे को बिजली दे के सप्लाई दे के पीक आवर्स के अंदर सप्लाई दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा कॉस्टिंग जाती है जितनी क्षमता बढ़ती है। पांचवा जो इस इंटरकनेक्शन सिस्टम का फायदा है वो है डिक्रीज इन स्पिनिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट। प्रत्येक जनन शक्ति केंद्र की कुछ सुरक्षित क्षमता रिजर्व कैपेसिटी होती है। बड़े विद्युत जनन केंद्रों से सप्लाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए मरम्मत तथा मेंटेनेंस की दृष्टि से स्टैंडबाय जनित्रों की आवश्यकता होती है, जिससे शक्ति केंद्र की पूंजीगत लागत बढ़ जाती है। परंतु ऐसे स्थिति में इंटरकनेक्टेड प्रणाली होने पर उस समय सप्लाई दूसरे जनन केंद्र से प्राप्त की जा सकती है, अतः शक्ति केंद्रों की सुरक्षित आवश्यकता रिजर्व रिक्वायरमेंट में कमी की जा सकती है। सिक्स्थ पॉइंट है ऑपरेटिंग सेविंग, प्रचालन बचत। इंटरकनेक्टेड सिस्टम के कारण जनन शक्ति केंद्रों पर अधिक क्षमता से कम जनित्रों का प्रयोग उनकी पूंजीगत लागत में कमी की जा सकती है, जिससे उनकी प्रति किलोवाट आवर लागत कम हो जाती है। तो ये कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम के अंदर इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स के फायदे थे जो अपन ने पढ़े। इसलिए पावर सिस्टम स्टेशंस की इंटरकनेक्शन किया जाता है।